गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप सब तक आपने जो भी पढ़ा होगा आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जो कि हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट था कवर किया था, नेस्ट इक्वेशन। हालांकि हमने सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट कवर किया था, न्यूमेरिकल पार्ट कवर करेंगे आज, हमारे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। तो हाफ सेल पे क्या क्या चीज़ें अप्लीकेबल होती है वो हमने सीख लिया था, ठीक है। हाफ सेल का रिएक्शन क्या होता है, उनके प्रॉपर्टी, उनको रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, आपके नेस्ट इक्वेशन कैसे अप्लाई करते हैं। और हमने ये भी सीखा था कि एसओपी किसी मेटल का पॉजिटिव होता है, उसी का एसआरपी हमेशा क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने सीखी थी। और मैंने आपको बताया था जेडन ही हम क्यों लेते हैं एज अ एनोड, और कॉपर ही एज अ कैथोड क्यों लेते हैं, क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसकी खुद की रिड्यूस होने की टेंडेंसी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। इट मीन इट विल ऑलवेज एक्ट एज अ कैथोड, और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा रहेगा उस विल एक्ट एज अ एनोड। चलो ठीक है, यहां तक चीज अगर आपको समझ में आए तो अब बात करते हैं हम कंप्लीट गैल्वेनिक सेल, कंप्लीट गैल्वेनिक सेल इट्स रिएक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, रिएक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। हालांकि गैल्वेनिक सेल तो मैंने आपको बहुत धुआंधार बताया था, ठीक है, लेकिन ओवरऑल क्या होता है, हमने क्या पढ़ा था अब तक, हमने सिर्फ पढ़ा था हाफ सेल। हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, उनके रिएक्शंस क्या होती है, आखिर नेस्ट इक्वेशन कैसे अप्लाई करते हैं, क्योंकि हाफ सेल कभी भी वर्किंग कंडीशन पे नहीं होता। हाफ सेल को आप वर्किंग कंडीशन पे कैसे ला सकते हो कि दो हाफ सेल को अगर मैं जोड़ दूं बाय कंडक्टर वायर एंड बाय यूजिंग सॉल्ट ब्रिज, तो वो सेल किस कंडीशन में आ जाएगा, वर्किंग कंडीशन। आप उसे सोचो, अगर मैंने दो सेल को सिर्फ कंडक्टिंग वायर से भी जोड़ा थोड़ी देर के लिए तो वो चलेगा, बट फाइनली क्या हो जाएगा, दोनों के इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट, इस सेल के भी इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोड मतलब सॉलिड मटेरियल को हम इसे इलेक्ट्रोड बोलते हैं, और जो सॉल्यूशन होता है उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो एक बार में क्या हो जाएंगे, थोड़ी देर के बाद इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे, क्योंकि Zn2+ और आपका पता है पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, Zn से Zn2+ वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। यहां पे भी Cu Cu2+ के बीच में क्या इक्विलिब्रियम हो जाएगा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन जाने नहीं देंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन आने नहीं देंगे, वो कैसे हो जाएगा। तो विदाउट सॉल्ट ब्रिज ये सर्किट कंप्लीट नहीं हो सकता, ठीक है। हां, ऐसा बोल सकते हो क्या, विद कंडक्टिंग वायर के साथ सेल वर्किंग कंडीशन पे रहेगा, बट विद अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए ही रहता है। तो इसलिए इसका प्रॉपर आंसर होगा कि विदाउट सॉल्ट ब्रिज आप कभी भी सेल को कंप्लीट नहीं कर सकते हो, गैल्वेनिक सेल को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रोलाइट लिया था, इसका सॉल्यूशन लिया था, यहाँ पे भी क्या लिया था, एक इलेक्ट्रोलाइट लिया था, इसका सॉल्यूशन लिया था। बेसिक तो यही था कि भैया इसको डायरेक्टली मैंने क्या कर दिया, यू शेप ट्यूब से डाल दिया, और इसको एक कंडक्टिंग वायर से मैंने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। सिंपल सा बेसिक था, जो हालांकि मैंने आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ाया था, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, गैल्वेनिक सेल इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू हाफ सेल। गैल्वेनिक सेल इज कंबाइंड बाय कंबाइनिंग टू हाफ सेल थ्रू कंडक्टिंग वायर एंड सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। किससे किससे आप कनेक्ट कर सकते हो, कंडक्टिंग वायर और सॉल्ट ब्रिज से। अब वही ये इसका हो गया। अब बेसिकली कितने टाइप के सेल होते हैं, 5 टाइप के हाफ सेल होते हैं। देयर आर 5 टाइप ऑफ हाफ सेल, ठीक है। हाफ सेल भी 5 प्रकार के होते, ऐसा नहीं है, ठीक है। पहला हाफ सेल होता है मेटल आयन हाफ सेल। मेटल आयन हाफ सेल मतलब Zn2+, मतलब Zn2+ का सोर्स कौन सा था, Zn4 था, उसका अपने सोल्यूबल सॉल्ट का सॉल्यूशन लिया था, ठीक है। तो इसके लिए मैं एग्जांपल भी लिख देता हूं, मेटल सॉल्ट का क्या था, हाफ सेल या इलेक्ट्रोड भी आप बोल सकते हो, ठीक है, इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें से आप इसमें क्या यूज करते हो, सोल्यूबल सॉल्ट यूज करते हो, क्या यूज करते हो, सोल्यूबल सॉल्ट। इसका एग्जाम्पल है Zn और Zn+2, ठीक है, Cu Cu+2, ये इसका क्या परफेक्ट एग्जाम्पल है, मेटल आयन का। दूसरा मेरा गैस आयन हाफ सेल या इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब इसकी जगह दूसरा इलेक्ट्रोड क्या, किस टाइप का हो सकता है, गैस आयन हाफ सेल इलेक्ट्रोड हो सकता है। गैस की जगह मैं H2 यूज करूं और इसका आयन क्या हो जाएगा, H+। तो ये भी एक तरीके का हाफ सेल होता है, हालांकि हमें डिटेल में सब चीज पढ़ना है। देखो
नीट वालों को सिर्फ 3 सिलेबस में, जेई वालों को पूरा का पूरा है, ठीक है। और तीसरा हाफ साल होता है, ठीक है, तीसरा हाफ साल है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है, या इसको हम रेडॉक्स रेडॉक्स इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेडॉक्स इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। मतलब यह हो जाएगा Fe+2 और Fe+3, ठीक है। अब ये ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है, तो दैट चॉइस इज डिपेंड्स, ठीक है। तो सेम चीज है ये, मैं एग्जैक्टली शो नहीं कि जे के सिलेबस में है कि नहीं, बट एक टाइप समझ लो है, होता है ये, ठीक है। बट चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल। देखो ये दो जो है, दो और एक पांचों वाला, ये नीट के सिलेबस में, और बाकी के पांचों शायद, ये शायद ये मैं श्योर नहीं हूं ये आपके सिलेबस में है या नहीं है, बाकी चार के चार आपके जेई में, ठीक है। तो जे नीट वालों को 3 पढ़ने हैं, जेई वालों को 4 पढ़ने हैं मेरे हिसाब से, है ना, हाफ सेल, ठीक है। मतलब एग्जांपल है एजी एजीसीएल और सीएल माइनस। जैसे अगर मैंने क्या किया यहां पे ZnSO4 के साथ मैंने उसका केएसपी की वैल्यू दे दी, या केएसपी मैंने दिया है और उसके साथ उसका एनायन दे दिया, तो इट मींस कि कौन सा इसमें इसमें बहुत ज्यादा सिमिलरिटी होगी बेटा। ये मैं ऐसे देखो, ये इसको मैं ऐसे भी यूज कर सकता हूं एजी और एजी प्लस, तो ये किसके जैसा दिख रहा है आपको? मेटल मेटल आयन मेटल और उसका आयन हाफ सेल, या एजी एजी सीएल भी किसके जैसा होता है? मेटल और आयन हाफ सेल। अरे Zn2+ का तो सोर्स कुछ भी हो सकता है, Zn Cl2 हो सकता है, Zn SO4 हो सकता है, Zn Br2 कुछ भी हो सकता है। तो अगर उसके साथ मैंने उसकी केएसपी की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, या नहीं भी दी है, लेकिन उसके साथ मैंने अगर एक एनायन उसके साथ जोड़ दिया सीएल माइनस, तो ये हमेशा कौन सा होगा? मेटल इनसॉल्युबल एनायन हाफ सेल। ये तरीका होता है पहचानने का, क्वेश्चन हमेशा जेई ये स्पेशली जेई वालों के लिए, कि इसमें इसमें डिफरेंस क्या होता है कि अगर कैटायन के साथ उसका एनायन दे दिया है, इट मींस ये हो जाएगा मेटल एनायन हाफ सेल, और इसके साथ कभी-कभी क्या कर सकता है, केएसपी भी दे सकता है या नहीं भी दे सकता है। बट यहां पे केएसपी दे भी सकता नहीं भी दे सकता, केएसपी से कभी कंफ्यूजन मत करें। सर आपने बोला इनसॉल्युबल सॉल्ट है, इनसॉल्युबल सॉल्ट में हमेशा केएसपी यूज करते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है बेटा, ठीक है, यूज कर भी सकता है यूज नहीं भी कर सकता है। तो एक पहचानने का परफेक्ट तरीका क्या होता है कि कैटायन के साथ हमेशा अगर एनायन जुड़ा हुआ है, मतलब अलग से एनायन दिया हुआ है, तो ये हमेशा मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन हाफ सेल होता है, ठीक है। हालांकि नीट के सिलेबस में है तो नीट वाले बच्चे ध्यान नहीं दे, ठीक है। कैलेमल इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट है, ये नीट वालों को भी पढ़ना है कैलेमल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आई थिंक बहुत बार क्वेश्चन देखे भी है मैंने कैलेमल इलेक्ट्रॉन के लिए। कैलेमल इलेक्ट्रॉन क्या होता है? Hg2Cl2 और Cl2, ठीक है, बस यही है, बस सबका एक ही है, उसका उसका रिप्रेजेंटेशन, उसका रिएक्शन और उसका नस्ट इक्वेशन कैसे अप्लाई करना, सब में आपको नस्ट इक्वेशन ही अप्लाई करना, बाकी कोई अलग सा फैक्टर कुछ नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है, तो पहले हम डिस्कशन करते हैं मेटल मेटल आयन हाफ सेल की बात करें, तो आपको पता होगा कि एनोड पे, ठीक है, एनोड पे क्या होता है मेरा, एनोड में हमेशा होता है ऑक्सीडेशन, तो Zn सॉलिड किस में कन्वर्ट होता है? Zn+2 में, और दो इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है, दो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? डोनेट होता है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? E0 Zn से Zn+2 E0 OP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोला था मैंने आपको, और इसकी वैल्यू होती है +0.76 वोल्ट, ठीक है। कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे होगा आपका रिडक्शन, तो मतलब Cu2+ एक्वस से जो होगा वो दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cu सॉलिड में क्या हो जाएगा? डिपॉजिट हो जाएगा, और इसको हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, या Cu2+ से Cu गया, इसका जो वोल्टेज होता है +0.34 वोल्ट होता है, ठीक है। ओवरऑल आप जब इसको ऐड करते हैं तो देखो बेटा बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे, जब आप ओवरऑल हॉट ऐड करते हैं तो इसको हम बोलते हैं सेल रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल रिएक्शन। दो बातें हमें, एक बात हमेशा याद रखना, सेल रिएक्शन में कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं आते, तो ओवरऑल ये दो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो इस ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा? Zn सॉलिड प्लस Cu2+ एक्वस टेंड्स टू गिव Zn+2 प्लस Cu सॉलिड। तो देखो ओवरऑल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं आता है, तो आपको ऑलरेडी ये समझ में आया कि यहाँ पे जो दो प्लस इसने लूज किया, ये दो प्लस इसने गेन करके अपने आप को रिड्यूस कर दिया, मतलब यहाँ पे n ट्रांसफर कहलाएगा, ना कि लॉस या गेन। तो इसलिए मैंने आपको आपको बोला था ना, n 3 तरीके से होता है, n ट्रांसफर भी हो सकता है, n लॉस भी हो सकता है, n को गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी डिनोट कर सकते हैं, बट ओवरऑल सेल के लिए हम हमेशा क्या बोलेंगे? n
ट्रांसफर होगा मेरे लिए, मतलब एन मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिनोट करेगा। आई बात समझ में? यहाँ के लिए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और यदि मान लो अगर नहीं कैंसिल हो पा रहा है तो आप एक सुटेबल नंबर मल्टीप्लाई करके आपको एनी हाउ इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? कैंसिल करना है। आई बात समझ में? और जो भी यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक आएगा तो वो कंसंट्रेशन के पावर में चला जाता है, आपको पता भी है जो हम इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, चलो यहाँ तक आपको समझ में आया, बस सबको समझ में आया। तो यहाँ पे इसके लिए हम क्या डिनोट करते हैं? ई नॉट सेल डिनोट करते हैं। ई नॉट सेल, देखो ऑक्सीडेशन के लिए ई नॉट ऑक्सीडेशन लिखा, रिडक्शन के लिए ई नॉट रिडक्शन लिखा, तो सेल के लिए हम क्या लिखेंगे? ई नॉट सेल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ई नॉट सेल। और ये कुछ नहीं, इनका एडिशन होता है, इनको ऐड करने पर आपको क्या मिलेगा? 1.1 वोल्ट। तो ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होता है? ई नॉट सेल का फॉर्मूला होता है ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल, या ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसको मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस ऑफ ई नॉट, ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, और ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड और ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, किस फॉर्मेट में भी दे सकता है। एक और फॉर्मेट इसी फॉर्मेट बनता है कि ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये रिडक्शन पोटेंशियल क्योंकि कैथोड तो पॉजिटिव रहेगा, तो जब ये पॉजिटिव तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का क्या हो जाएगा? नेगेटिव, तो नेगेटिव टर्म इधर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला किसी भी तरीके से बन सकता है इन तीनों में से, बट मोस्ट प्रोबेबली मैं तो यही बोलूंगा ऊपर वाला फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, या ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट भी कर सकते हैं, तो दैट चॉइस जो आप जिस तरीके से करना चाहे, बट मेरे अकॉर्डिंग पहला फॉर्मूला सबसे अच्छा। आप रिडक्शन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल को क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए, तो आपको क्या मिलता है? ई नॉट सेल। तो यही से तो हमने क्या निकाला था? ई सेल भी तो निकाला था। ई सेल क्या हो जाएगा? ईओपी प्लस ईआरपी, ईओपी प्लस ईआरपी सेम फॉर्मूला हो जाएगा ना। EOP का फॉर्मूला क्या निकाला था? EOP is equal to E0OP minus 0.059 by N into concentration of iron, और प्लस क्या था? E0OP, ERP क्या था? E0RP plus 0.059 by N log of concentration of iron। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे हम, ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो नॉन स्टिक इक्वेशन मेरा जो मिलेगा, नॉन स्टिक इक्वेशन का फॉर्मूला हो जाएगा E cell। अब यहां पे मैं क्या लिखूंगा? E cell is equal to E0 cell माइनस 0.059 बाय एन कंसंट्रेशन ऑफ, प्रोडक्ट में आपके पास क्या है? Zn प्लस 2 डिवाइडेड बाय Cu प्लस 2। ठीक है, ये नॉन स्टिक इक्वेशन हम कंप्लीट सेल के लिए भी इस तरीके से क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। आई बात समझ में सबको? कोई डाउट? ई सेल आपके लिए कितना हो जाएगा? 1.1 वोल्ट आपने निकाला है। ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे? हमेशा ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, हमेशा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, आपको ये वैल्यू याद नहीं करने की जरूरत है, ये हमेशा क्वेश्चन में दी जाएगी। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सेल का ई नॉट सेल निकालने के अलावा क्या करना है? उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल को क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए, आपको ई नॉट सेल मिलेगा। ई नॉट सेल यहां वाले पुट करिए, माइनस 0.059 बाय एन कितना हो जाएगा? 2 लॉग ऑफ Zn प्लस 2 बाय Cu प्लस 2। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आई? अगर मैं इसका ग्राफ देखूं सर, ग्राफ देखूं तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा ई सेल और यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा? ई नॉट सेल। ठीक है, log of Zn plus 2 by Cu plus 2, सेम ग्राफ है। और स्लोप यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्लोप मेरा हो जाएगा माइनस 0.059 by 2। इस तरीके से मेरा क्या हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद हम इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो देखो रिप्रेजेंटेशन में क्या है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो कुछ ने एनोड हाफ सेल है और कैथोड हाफ सेल, इन दोनों को मैंने जोड़ा किसके साथ? सॉल्ट ब्रिज। डबल डबल वाला लाइन क्या डिनोट करता है? सॉल्ट ब्रिज को डिनोट करता है। सिंगल लाइन क्या डिनोट करता है? फेज फेज सेपरेशन को डिनोट करता है। एनोड हाफ सेल को मैंने कैसे डिनोट किया था? एनोड हाफ सेल को मैंने डिनोट किया था एनोड, उसका सॉलिड मटेरियल और उसका लिक्विड मटेरियल, एनोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये एनोड हाफ सेल था,
सॉल्ट ब्रिज, कैथोड हाफ सेल में क्या था पहले, कैथोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड मटेरियल पहले था और इसके बाद सॉलिड मटेरियल क्या था कैथोड था। उसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो Zn, Zn प्लस टू या ZnSO4, C1 मोलर है कंसंट्रेशन, CuSO4 C2 मोलर है और क्या हो जाएगा Cu सॉलिड, ठीक है, या Zn Zn प्लस टू C1 मोलर Cu प्लस टू C2 मोलर Cu सॉलिड, ठीक है। इस तरीके से हम कंप्लीट सेल का क्या कर सकते हैं रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। कल कुछ क्वेश्चंस करते हैं इनके ऊपर ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग समझ में आखिर क्वेश्चंस बनते कैसे। तो क्वेश्चन है आपका कैलकुलेट ई सेल ई नॉट सेल, कैलकुलेट ई सेल ई नॉट सेल ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑफ द फॉलोइंग सेल आल्सो राइट Also write half cell and complete cell reaction. Half cell और complete cell का आपको क्या करना है reaction लिखना है। तो पहला question है आपका zinc solid है, ठीक है, oblique Zn plus 2 aqueous 10 molar दिया हुआ है, सॉल्ट ब्रिज है Ag प्लस एक्वस है, ठीक है, 0.01 मोलर दिया हुआ है, ठीक है, और ये दिया हुआ है Ag सॉलिड 0.1 मोलर है, ठीक है, 0.1 मोलर है, ठीक है। तो ये आपका सेल है और इसका आपको क्या लिखना है, पहले सेल रिएक्शन हमेशा ट्राई करो सेल रिएक्शन फाइंड आउट करने का, इससे क्या फायदा होगा इससे आपको प्रोडक्ट और रिएक्टेंट समझने में, जो जहाँ पे मैंने प्रोडक्ट और रिएक्टेंट लिखा ना इसको समझने में आपको ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, मतलब जिंक सॉलिड कन्वर्ट होगा किसमें, Zn प्लस टू, और दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा डोनेट करेगा, हमेशा पहले एनोड का रिएक्शन लिखो। अब Ag प्लस क्या करेगा, Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या करेगा, Ag सॉलिड में कन्वर्ट होगा, वही हो रहा है Ag प्लस Ag में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि ओवरऑल मैंने क्या बोला कि दो ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल होना चाहिए, तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ट्वाइस ऑफ Ag प्लस, तो दो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ Ag होगा, इसको ओवरऑल ये कैथोड का रिएक्शन होगा, ओवरऑल ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो चुका है, तो मतलब जिंक सॉलिड 2 Ag प्लस को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Zn प्लस 2 एक्वस में कन्वर्ट हो जाता है प्लस Ag 2 मोल Ag सॉलिड के साथ। इसका मतलब ये हुआ, ये हो गया आपका क्या, ये अब यहाँ पे आपको हमेशा ये दिया जाता, सॉरी मैंने क्वेश्चन में आपको नहीं लिखा, E नॉट Zn से Zn प्लस टू आपको कितना दिया हुआ 0.76 वोल्ट, ठीक है, और E नॉट Ag प्लस से Ag, तो पहले कभी कभी कंफ्यूजन के लिए क्या करता है ना, वो कभी कभी कंफ्यूजन के लिए वो Ag से Ag प्लस दे देगा, तो आपको क्या करना, आप देखो पहले कि Ag तो Ag वाला था आपका क्या थोड़ा, तो इसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर दो ताकि आपका पहला फॉर्मूला करेक्ट हो जाए कि आप इसी के अकॉर्डिंग चलो हमेशा, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी दिया हुआ है इसका, तो इसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करें तो माइनस होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा वो चीज, अरे बस समझ में, कभी कभी कुछ कंफ्यूजन के लिए समझा देता हूँ, इसको ऐसे नहीं देखते, अगर मैंने ऐसे दिया Ag Ag प्लस माइनस 0.8 वोल्ट तो आपको खुद ही समझ में आ रहा है कि भैया इसका ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी नेगेटिव है, इसका मतलब रिड्यूस होने की टेंडेंसी क्या होगी, इसके पॉजिटिव होगी, और ये ऑलरेडी क्या है कैथोड में है, तो राइट लेफ्ट राइट हैंड साइड वाला हमेशा कैथोड होता है, इसका मतलब राइट हैंड वर्सन हमेशा रिड्यूस होगा, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव, तो ये सब बातें थोड़ी बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका E नॉट सेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E नॉट सेल की वैल्यू हो जाएगी 0.76 प्लस 0.8, तो दैट्स नथिंग बट 0.156 वोल्ट, सॉरी माय मिस्टेक, ये हो जाएगा 1.56 वोल्ट। समझ में आया सबको, अच्छे से समझ में आया, आपको निकालना क्या है, देखो पहला पार्ट E नॉट सेल वाला खत्म हो गया, आपको निकालना है E सेल, E सेल तो भैया आपका नेक्स्ट इक्वेशन से ही निकलेगा, तो जो पहला पार्ट है ना आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसे पूरे में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करना है, नेक्स्ट इक्वेशन ही यूज करना है, कुछ एक्स्ट्रा चीज यूज नहीं करनी है, पहला पार्ट पूरा नेक्स्ट इक्वेशन पे ही बना हुआ है, कुछ उसमें यूज करना ही नहीं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन,
तो E सेल बराबर कितना हो जाएगा, E नॉट सेल आपको कितना है 1.56 वोल्ट है, वोल्ट लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप खाली 1.56 भी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा, माइनस 0.059 बाय 2 लॉग ऑफ, ऊपर में क्या है मेरा, ऊपर में Zn प्लस 2 है तो Zn प्लस 2 और नीचे में क्या है Ag प्लस का स्क्वायर, क्योंकि इसका स्टोइकोमेट्रिक 2 है तो वो 2 पावर में चला जाएगा। तो ये तो पहला क्वेश्चन मैं आपको खुद से दे रहा हूं, खुद से समझ लो बाद में करना। तो 1.56 वोल्ट लिख लो माइनस, अब इसको कैलकुलेशन के लिए ऐसा कर सकते हो ना, 0.059 को 0.06 मान लो तो 0.03 हो जाएगा, ये log of Zn plus 2 का 10 molar दिया हुआ है और 0.001 का स्क्वायर कितना होता है 10 raise to minus 2, 10 raise to minus 2 पर चला जाएगा तो 3 आ जाएगा, तो 1.56 minus 0.03 into 3 log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1.56 minus 0.09 तो that's nothing but 1.47 volt आपका क्या हो जाएगा मुझे हाँ, और Cu plus 2 aqueous है, इसका concentration उसने दिया हुआ 2 molar, क्या दिया हुआ 2 molar, salt bridge use कर दिया हुआ है उसने, अब यहाँ पे उसने दिया हुआ AgCl, AgCl दिया हुआ, AgCl का saturated solution दिया हुआ, क्या दिया हुआ saturated solution, जिसे Ksp की value है 10 raise to minus 10, Ksp की value कितनी है 10 raise to minus 10, और oblique Ag, और value क्या दी है E0 Cu, Cu plus 2 से Cu जब जाएगा तो minus 0.34 देखो, क्योंकि ये क्या है oxidation potential है कि reduction potential है, ये plus 0.34 और E0 जो दिया हुआ उसने, E0 जो दिया हुआ है Ag plus से Ag, ये उसने दिया हुआ है मुझे 0.8 वोल्ट, ठीक है, तो कोई गलत नहीं, पहले हमेशा क्या करो रिएक्शन लिखने की कोशिश करो, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा Cu सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा डोनेट, कैथोड पे क्या होगा रिडक्शन होगा, Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Ag सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि Ag प्लस का सोर्स यहाँ पे कौन है आपका AgCl है, तो पहले आपको कंसंट्रेशन पता होना चाहिए कि कंसंट्रेशन क्या होगा, तो आपको पता है ये कौन सा सॉल्ट दिख रहा है 1:1 का सॉल्ट होगा, Ksp का फॉर्मूला क्या होता है 1:1 सॉल्ट के लिए Ksp इक्वल टू S स्क्वायर, तो S मतलब ही क्या होगा इसका कंसंट्रेशन होगा, तो अंडर रूट ऑफ Ksp मतलब 10^-5, इसका कंसंट्रेशन कितना होगा 10^-5 हो जाएगा, इज दैट क्लियर, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2200 Ag 2 और 2 मल्टीप्लाई करने पर 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो Cu सॉलिड प्लस ट्वाइस ऑफ Ag प्लस टेंस टू गिव ट्वाइस ऑफ Ag सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस, ठीक है, इसका E0 सेल की वैल्यू कितनी होगी, E0 सेल की वैल्यू होगी E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस E0 रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो भैया इसका क्योंकि इसने यहां कितना दिया रिडक्शन पोटेंशियल, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा इसका -0.34 वोल्ट, क्योंकि रिडक्शन पर देखो यहाँ पे Cu प्लस 2 से Cu जा रहा है मतलब वो रिड्यूस हो रहा है, तो उसका वैल्यू 0.34 वोल्ट है क्योंकि ये एज अ एनोड यूज हो रहा है, तो इसमें हमेशा आप क्या यूज करोगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यूज करोगे, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका क्या होगा -0.34 वोल्ट, Ag प्लस Ag ऑलरेडी है कैथोड में तो मतलब आपको यहां का रिडक्शन पोटेंशियल लेना, तो ये हो जाएगा 0.8, तो 0.8 -0.34 मतलब क्या होगा 0.44 वोल्ट, E0 सेल कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, ये बात हमेशा याद रखना, क्यों, अगर E0 सेल नेगेटिव आने आ जाएगा इसका मतलब सेल इज नॉट इन वर्किंग कंडीशन, क्यों, इसका मतलब यह है कि E0 सेल नेगेटिव होने का मतलब है जो एनोड होना चाहिए वो कैथोड के प्लेस में जाएगा और जो कैथोड होगा वो एनोड के प्लेस में, क्योंकि साइन आपने क्या कर दिया नेगेटिव कर दिया, नहीं समझ में आता ऐसा समझो, अगर HCl को मैंने इधर लिखा होता तो CuCl2+ को उधर लिखा होता था
तो यहाँ पे Ag 0.8 के बजाय -0.8 होता था और Cu2+Cl+0.34, तो एग्जैक्ट वैल्यू -0.44 आता था। इसका मतलब सेल वर्किंग कंडीशन में नहीं है, तो हमेशा याद रखना फॉर अ कोई भी सेल वर्किंग कंडीशन में या स्पॉन्टेनियस होने के लिए हमेशा E0 सेल पॉजिटिव आना चाहिए। इज दैट क्लियर? चलिए समझ में आया सबको अच्छे से? अगर आपको समझ में आया तो हमें क्या करना है, हमें ई सेल अप्लाई करना है, ई सेल निकालना है। ई सेल का मतलब क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल मतलब 0.44 -0.06 ले लो / 2 5946 ले लिया। लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+ कितना दिया हुआ है 2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ का स्क्वायर मतलब 10^-5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0.44 -0.03 log of 2 into 10 का पावर 10 ऊपर चला जाएगा, ठीक है 2 into 10 का पावर 10 चला जाएगा। तो ये जो वैल्यू आती है -0.46 - 0.03 × 10.3 ये वैल्यू हो जाएगी। अब देख लीजिए, कैलकुलेट करके देख लीजिए, ये सेल क्या आ जाएगा, नेगेटिव कंडीशन में आ जाएगा। ई सेल क्या आ जाएगा, नेगेटिव कंडीशन तो नहीं आएगा मेरे हिसाब से, पॉजिटिव भी रहेगा। जब ई नॉट सेल पॉजिटिव थे, ई सेल भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन करके बताइएगा। तो मैं बोल सकता हूँ फॉर अ सेल टू बी स्पॉन्टेनियस, या फिजिबल, कोई सेल स्पॉन्टेनियस या फिजिबल कब हो सकता है, उसके लिए इसका डेल्टा जी क्या होना चाहिए, थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। कोई भी सिस्टम फिजिबल या स्पॉन्टेनियस तभी हो सकता है जब उसका डेल्टा जी नेगेटिव होगा। और डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है, -NFe0 सेल या -NFe, कोई भी लो, कोई भी चीज लो, ये क्या रहेगा नेगेटिव। NFe भी नेगेटिव होना चाहिए, -NFe0 भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। इसका मतलब N और F तो भैया पॉजिटिव क्वांटिटी, ये नेगेटिव कभी हो नहीं सकती, ये पॉजिटिव है। इसका मतलब ये क्या, इसका मतलब ये क्या होगा कि E0 सेल क्या होना चाहिए आपका, E0 सेल ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या E सेल भी ग्रेटर देन हमेशा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। E सेल ग्रेटर देन 0 या E0 सेल 0 ग्रेटर देन तभी हो सकता है कि जब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाला, उसके लिए एनोड का SRP कम होना चाहिए या SOP ज्यादा होना चाहिए, या आप बोल सकते हो कैथोड वाले का क्या होना चाहिए, SRP ज्यादा होना चाहिए और SOP कम होना चाहिए, ठीक है। आप दोनों तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। तो ये भी अपने आप पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसका मतलब टू कंस्ट्रक्ट अ गैल्वेनिक सेल, E0 सेल क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि कैथोड का SRP ज्यादा होना चाहिए और एनोड का SRP कम होना चाहिए, ठीक है। SRP के फॉर्मेट लिखो, SOP का फॉर्मेट लिखो, दैट चॉइस इज योर। लेकिन कंफ्यूजन हो तो याद रखना, एनोड वाले का हायर SOP होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हायर SOP होना चाहिए। हायर SOP होगा तो SRP लोअर होगा, सही बात समझ में। कैथोड क्या होना चाहिए, कैथोड होना चाहिए मेरा हायर SRP वाला होना चाहिए, ठीक है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा वो हमेशा कैथोड के जैसे बिहेव करेगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा वो हमेशा एनोड के जैसे बिहेव करेगा। तो ये चीजें हमेशा याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गैल्वेनिक सेल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमेशा इनोड सेल आपको ग्रेटर देन 0 जिसमें एनोड वाले का SOP सबसे ज्यादा होना चाहिए या SRP सबसे कम होना चाहिए, या कैथोड वाले का SRP सबसे ज्यादा होना चाहिए तो SOP सबसे कम होना चाहिए। तो दैट चॉइस इज योर। तो दोनों फॉर्मेट याद रखिए मेरे हिसाब से, ठीक है। एक क्वेश्चन क्वेश्चन आया हुआ जेई में, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। एट व्हाट Cu2+ कंसंट्रेशन आयन रिडक्शन पोटेंशियल पोटेंशियल ऑफ Cu+2 से Cu हाफ सेल इज 0, किस कंसंट्रेशन पे रिडक्शन पोटेंशियल Cu2+ Cu हाफ सेल का क्या होगा,
उसने क्या दिया हुआ, E नॉट सी यू टू प्लस से सी यू का 0.34 वोल्ट दिया हुआ उसने, ठीक है। तो यहाँ पे उसने क्या जीरो माना, ई सेल जीरो माना या ई नॉट सेल जीरो माना, तो ऑब्वियस सी बात है ई सेल जीरो माना। ई सेल मेरा जीरो है, ई नॉट सेल मेरा 0.34 है, माइनस 0.059। आपको देखो याद होगा, सॉरी ई सेल नहीं, सॉरी माई मिस्टेक, हाफ सेल है ना, और रिडक्शन पोटेंशियल है, मतलब ई आर पी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, ई नॉट आर पी माइनस 0.059 बाय एन लॉग ऑफ 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ आयन। ये फॉर्मूला बनता था मेरा, ठीक है। ये फॉर्मूला जब बनता था तो ये उसने जीरो माना, ये 0.34 वोल्ट है, माइनस 0.059 बाय 2, ये हमने पहले देखा हुआ, ये प्लस में मानूंगा तो लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, CO2 प्लस आयन, ये हो जाएगा। ये जीरो है तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 0.34, ये हो जाएगा 0.03 इंटू लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ CO2 प्लस, कितना हो जाएगा CO2 प्लस, ठीक है। एक मिनट जस्ट होल्ड करना, फॉर्मूला से गलत कर लिख दिया मैंने, बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ ना एंटी लॉग वगैरह आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, और CO2 प्लस की वैल्यू आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो डोंट वरी, इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो बेसिकली आपको मैं जो देखो सब में आपको नॉन्स्टिक क्वेश्चन ही लगाना है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। आप यहाँ पे लॉग टेबल का यूज कर सकते हो, प्लीज कैलकुलेट वैल्यू आप कैलकुलेट करके बताइएगा ये वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते छोटा सा, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक सॉलिड ऑब्लिक ZnS, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है ये भी, कौन सा है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसका KSP का वैल्यू 10^-30 है, ठीक है, और दिया हुआ है E नॉट Zn से Zn प्लस 2 दिया हुआ 0.76 वोल्ट, 0.0। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको करना है, तो EOP बराबर क्या होता है, EOP बराबर होता है E नॉट OP माइनस 0.059 बाय N लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयन, ये होता है मेरा। तो E नॉट OP उसने दिया हुआ 0.76 वोल्ट माइनस 0.059 बाय 2। अब क्योंकि Zn प्लस 2 का उसने डायरेक्ट कंसंट्रेशन नहीं दिया, बट उसने KSP दिया है, तो KSP ये क्या होगा, 1:1 का रेशियो होगा। इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूं, इसका S की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ KSP, मतलब 10^-15, तो यही कंसंट्रेशन होगा, यही सैचुरेटेड जो सॉल्युबिलिटी होगा वही तो कंसंट्रेशन होगा ना, यही पार्ट कंसंट्रेटेड रहेगा। तो इसका Zn प्लस 2 का सोर्स मेरा क्या, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 10^ log of 10^-15। तो यहां से आप क्या करिए वैल्यू कैलकुलेट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। चलो तो ये छोटे-छोटे क्वेश्चन क्या होते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। अब जो हमारा है नेक्स्ट हाफ सेल, ये हमने मेटल मेटल आयन हाफ सेल पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे गैस आयन हाफ सेल, ठीक है, जिसको हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको कवर करते हैं, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा, ऐसा चीज अपने आप में कमाल सब थ्योरी है इसके अंदर, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको तो पहले मैंने बता दिया था कि ये जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब इसके बाद जितने भी हम सारे पढ़ेंगे ना, वो सारे के सारे क्या होते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड होते हैं, क्या होते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो जनरली मोस्ट हमारे इंपॉर्टेंट, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, ये जो पढ़ रहे हैं हम, ये वाला जो पढ़ रहे हैं हाफ सेल, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोड है। क्यों, क्योंकि ये इट विल एक्ट एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और जितने भी हम ये पोटेंशियल देख रहे हैं कैलकुलेट किए, ये हमने किसके थ्रू कैलकुलेट किया, इसको रेफरेंस मान के ही कैलकुलेट किया। तो मैंने एग्जैक्टली आपको पहले भी बोला था कि आप किसी का एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकाल सकते हो, आप पोटेंशियल नहीं निकाल सकते हो, आप उसका क्या निकाल सकते हो, रेफरेंस का पोटेंशियल डिफरेंस ही निकाल सकते हो, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, तो अगर मैं बात करूं किसकी, हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसको SHE भी बोला जाता है और इसको NHE भी बोला जाता है। और होता क्या है इसके अंदर,
तो दो चार बातें याद रखना है, ये किस तरीके का एग्जांपल है, ये है गैस आयन हाफ सेल का एग्जांपल है, ठीक है, पहली बात। और इसमें क्या होता है, H2 और H+ क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं। इनका E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या E0 रिडक्शन पोटेंशियल IUPAC ने जीरो माना है, हालांकि होता नहीं है, देखो इट्स नॉट पॉसिबल कि इसका जीरो हो, बट क्योंकि मैं जीरो मान के करूंगा तभी मैं दूसरे वाले का पोटेंशियल निकाल सकता हूं, ठीक है। अब आप उसे सोचो, एक तरफ मैंने इसी को हम क्या यूज कर सकते हैं, एनोड के जैसे भी यूज कर सकते हैं, कैथोड के जैसे भी यूज कर सकते हैं, बट मैं ऐसा मान के चलूंगा इसको मैं एनोड के जैसे यूज करूंगा और बाकी सारे इलेक्ट्रोड को मैं क्या करूंगा, कैथोड के जैसे। मैंने जिंक का निकाला, जिंक को भी कैथोड के जैसे यूज किया, Cu को भी कैथोड के जैसे किया। तो क्या करते हैं इसमें, देखो जनरली बता देता हूं मैं कि जैसे इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, पहले समझो होता है किस तरीके से। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, H2 गैस को पास किया जाता है, क्या किया जाता है, H2 गैस को पास किया जाता है विद प्रेशर 1 atm, प्रेशर 1 atm, और इसको डुबोया जाता है HCl के कंसंट्रेशन में, किसमें, HCl के कंसंट्रेशन, जिसमें H+ का कंसंट्रेशन हमेशा कितना लिया जाता है, 1 molar लिया जाता है, ठीक है, समझ बात को, एक्चुअली से यूज क्या करता है। अब ये एक एक तरीके का एक इलेक्ट्रोड है, हाफ सेल एक तरीके से, ठीक है। अब ये वर्किंग कैसे करता है वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे क्या होता है, H2 H+ के साथ क्या करता है, इक्विलिब्रियम बनाता है, ये हो सकता है ट्वाइस ऑफ H+ दो इलेक्ट्रॉन के साथ क्या बना दे, H2 गैस बना दे, ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे क्या करता है, प्लैटिनम ब्लैक का काम क्या होता है, देखो प्लैटिनम ब्लैक ये एक तरीके का वो सब्सटेंस होता है, ठीक है, कि ये गैस को भी एडजॉर्ब करेगा, आयन को भी एडजॉर्ब करेगा, और तब तक एडजॉर्ब करेगा तब तक जाके मेरे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश ना हो जाए, ये तब तक गैस को भी एडजॉर्ब करता रहेगा, H+ को उतना ही एडजॉर्ब करेगा ताकि मेरा ये इक्विलिब्रियम में आ जाए। जैसे इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा तो हम क्या मान सकते हैं, इसका E0 क्या मान सकते हैं, जीरो मान सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो E0 H2 से H+ या इक्वल टू जीरो या E0 H+ से H2 इज इक्वल टू जीरो ये माना गया है, ये इसको एनोड के जैसे भी ले सकते हो, कैथोड के जैसे भी ले सकते हो, दैट चोस योर। बट अभी क्या हुआ कि जब हमने सबका पोटेंशियल डेवलप निकाला, जो हमने पोटेंशियल निकाला, चाहे जिंक जितने भी मेटल है सबका अपना एक पोटेंशियल होता है, तो उस पोटेंशियल को निकालने के लिए हमने क्या किया, ऐसा एक हाफ सेल डिजाइन किया जिसका पोटेंशियल जीरो हमने कंसिडर किया। फिर से बोल रहा हूं होता नहीं है, बट ऐसा हमने माना है कि जीरो होगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक भैया पोटेंशियल लूंगा, उसका आयन में उसको क्या करूंगा, डिसॉल्व करूंगा, इसके साथ क्या करूंगा, कनेक्ट कर दूंगा, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, वोल्टमीटर कर दूंगा। अगर प्लस में डिफ्लेक्शन दिखाया तो इसका मतलब रिडक्शन, क्योंकि देखो ये एनोड है तो ये कैथोड है, तो रीडिंग किसका देगा, रिडक्शन पोटेंशियल का देगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो जीरो है, क्योंकि E0 सेल आपके लिए क्या होता है, E0 सेल बराबर होता है E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस E0 रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो आपके लिए क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपके लिए जीरो हो चुका है, इसका मतलब जो भी इस सेल की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर होगी, इसका मतलब इसलिए इसको एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। पहली बात हमने क्या सीखी, ऐसा चीज हमेशा एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है ताकि दूसरे मेटल का मुझे पोटेंशियल पता चल सके, तो वो भी पोटेंशियल किस फॉर्मेट में पता चलेगा, मुझे रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्मेट पता चला। अगर प्लस का डिफ्लेक्शन दिया इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में होगा, और अगर नेगेटिव में डिफ्लेक्शन दिया इसका मतलब वो रिडक्शन पोटेंशियल ना होकर वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा, या जिसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है तो उसका ऑब्वियस मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हमने एक लिस्ट निकाली हर मेटल की, सबकी निकाल के देखी, तो भैया हमने ये ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे मेटल का पॉजिटिव आ रहा था, बहुत सारे मेटल का नेगेटिव आ रहा था, और एक तरीके से हमने क्या डेवलप किया
सीरीज डेवलप किया, इसी को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हालांकि ये डिटेल में मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, बट एक फिर से मैं आपको कल भी आइडिया देता आज भी आइडिया दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत लिटिल बिट आइडिया मिलता रहे इन चीजों का, ठीक है। तो पहली बात आपको समझ में, इनको स्टैंडर्ड कंडीशन में यूज किया जाता है, H+ होगा H2 181 मोलर होता है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ इसके बारे में, इट इज अ type of gas ion half cell. It is a type of gas ion half cell in which gas is used as in which gas is used as in which gas is used as H2 and its ion and its ion are H plus ion, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड अज्यूम्ड बाय IUPAC. It can act as both anode half cell and cathode half cell. Anode half cell and cathode half cell. Its standard oxidation potential. ये क्या है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये क्या है रिडक्शन पोटेंशियल, ये हमेशा हम क्या मानते हैं जीरो मानते हैं। आई बात समझ में। और प्लैटिनम आयन किसके जैसा एक्ट करता है, इलेक्ट्रोड के जैसा एक्ट करता है। प्लैटिनम आयन हमेशा किसके जैसा एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोड के जैसा। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन यही काम करता है, क्योंकि गैस और आयन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कौन करेगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि इन SHE व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड एज अ इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम किया कौन करता है, प्लैटिनम आयन करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जब SHE को एनोड हाफ सेल के जैसे यूज करते हैं तो हमें क्या कंडीशन मिलती है, और कैथोड हाफ के साथ जैसे तो क्या कंडीशन मिलती है, ठीक है। अब बेटा मैं एक बात पहले बोल रहा हूं, क्योंकि यहां जहां आया H+ वहां आ गया आयनिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था अगर क्वेश्चन अच्छे लेवल का करेगा, चाहे वो नीट हो चाहे JEE हो, इसका मतलब वो क्या कर सकता है। और ये JEE नीट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका मतलब H+ का वो कुछ भी कर सकता, हो सकता है वो H+ का सोर्स कुछ भी दे सकता है, वो मिक्सर ऑफ एसिड दे सकता है, वो H+ का सोर्स सॉल्ट दे सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, ठीक है। मैं इस सॉल्यूशन तो कुछ भी ले सकता हूँ ना, मैं कोई बफर सॉल्यूशन भी ले सकता हूँ इसको, मुझे तो H+ से मतलब है, वो H+ कहीं से क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन बनाने का तरीका होता है बेटा, ठीक है। तो केस वन हम देखते हैं, केस वन, जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एज एनोड हाफ सेल यूज किया जाता है, जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोड हाफ सेल से यूज किया जाता है तो क्या होता है। तो पहले हम देखते हैं एनोड हाफ सेल रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होगा भाई, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होने का मतलब है H2 गैस कन्वर्ट होगा किसमें, H+ दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और इसके E0 की वैल्यू क्या होगी, E0 H2 से H+ की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, H2 से H+ की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। अब इसका जो है ना एनोड हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था, एनोड ऑब्लिक एनोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट, तो वो एनोड क्या होता था, इलेक्ट्रोड होता था एनोड, यहाँ पे इलेक्ट्रोड क्या होगा, प्लेटिनम, और ऑब्लिक
H2, ऐसे भी आपको दे सकता है, ठीक है, H2, ठीक है, ये एनोड, और इसका हाफ सेल क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रोलाइट H+ एक्वस। तो ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर P1 एटीएम दे सकता है और यहाँ पे C1 मोलर कंसंट्रेशन, या तो ऐसा दे सकता है प्लैटिनम सॉलिड ऑब्लिक H2 गैस, क्योंकि देखो फेज सेपरेशन है, ये P1 एटीएम हो गया और यहाँ पे क्या हो गया H+ एक्वस C1 मोलर। H2 गैस है, प्रेशर है, मतलब पूरा गैस स्टेट यूज करवा सकता है अच्छा क्वेश्चन बनाने के लिए, और यहाँ पे यूज करवाने के लिए वो आपको पूरा आने के लिए यूज कर, अगर अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनाना चाहे तो, की बात कर रहा हूँ। इसलिए एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू में इसलिए बोलता हूँ हमेशा हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो किसी चैप्टर का कहीं पे भी यूज करवा सकता है, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट इक्वेशन की बात करूँ, नेक्स्ट इक्वेशन के लिए ईओपी क्या हो जाएगा, ईओपी बराबर होगा E0OP -0.059 बाय n log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+ का स्क्वायर, ठीक है, प्रोडक्ट में है H2 का H2 डिवाइडेड बाय H2 गैस, ठीक है। तो E0OP ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो E ऑफ H2 बाय H+ ये कितना हो जाएगा, -0.059 बाय 2 लॉग ऑफ H+ का स्क्वायर बाय P1 ATM, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और अगर मान लो क्वेश्चन में प्रेशर नहीं दिया हुआ, मान लो कभी कभी क्या करता है क्वेश्चन को और बेस्ट करने के लिए प्रेशर नहीं देता है, तो प्रेशर आप ऑटोमेटिकली, क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, तो प्रेशर हमेशा 1 ATM लेंगे हम। हाँ, हालांकि मैंने बोला आपको कि IUPAC ने प्रेशर 1 bar माना है, बट ठीक है, बट फिलहाल आप क्या मान लो, चलो 1 ATM मान लो। चलो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ द गैस कितना हो जाएगा, 1 ATM अगर हो गया तो EOP जो हो जाएगा -0.059 बाय n टू लॉग ऑफ H+ का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × log of H+, ठीक है, 2 और 2 कैंसिल, माइनस ऑफ लॉग ऑफ एच प्लस में क्या कर सकता हूँ, पीएच लिख सकता हूँ, यही फॉर्मूला होता है पीएच का, तो पीएच ऑफ एनोड ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पीएच निकालने के लिए कोई भी मिक्सचर यूज करता, हो सकता है बफर ले ले, हो सकता है वो वीक एसिड मतलब सॉल्ट का केसेस ले ले, हो सकता है वो सॉल्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का भी केस, कुछ भी दे सकता है जहाँ पूरा आयनिक पीएच जहाँ है वो समझ लो आयनिक इक्विलिब्रियम आ गया। तो ये मेरा फॉर्मूला बनता है किसका, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज अ एनोड। और जब हम देखते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैथोड के जैसे यूज करेंगे तब क्या होगा, ठीक है, और
सॉरी इसको मिस्टेक कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ई ऑफ एच प्लस से एच टू में चला गया, तो ये जीरो माइनस 0.059 बाई टू लॉग ऑफ एच टू गैस मेरा क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय एच प्लस का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, एच प्लस से एच टू बराबर क्या हो जाएगा जीरो, एच प्लस से एच टू बराबर क्या हो जाएगा जीरो माइनस जीरो माइनस 0.059 बाय टू लॉग ऑफ पी वन बाय सी वन का स्क्वायर, याद रखिएगा। ठीक है, और अगर इफ प्रेशर पी वन इज इक्वल टू कितना दिया, 180 एम। पी वन कितना बराबर दिया, 180 एम, तो ई एच प्लस बाय एच टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, या ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ही लिख देता हूँ, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा आपका, माइनस माइनस प्रेशर 180 एम, ये प्लस में आ जाएगा, तो मैं क्या डायरेक्ट लिख सकता हूँ, माइनस 0.059 ऑफ पी एच ऑफ कैथोड। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है। डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला किया हुआ, माइनस था तो भी अपने आप क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि टू ये जिसको बच्चे को नहीं समझ में आता, इधर देखो ई आर पी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 0.059 बाई टू इंटू लॉग ऑफ 1 बाय 1 को प्लस कर दिया मैंने, तो h प्लस का स्क्वायर स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, 2 के इधर आएगा तो ये 2 को कैंसिल हो जाएगा, तो इसको pH में कन्वर्ट करने के लिए माइनस माइनस, तो माइनस ऑफ pH क्या हो जाएगा, एक pH हो जाएगा माइनस log of h प्लस pH हो जाएगा माइनस में माइनस। देखो इसको मैं क्या कर सकता हूं, माइनस और माइनस 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 मल्टीप्लाई और अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस log of h प्लस क्या देगा pH, तो माइनस फार्मूला क्या हो जाएगा, माइनस 0.059 pH ऑफ कैथोड। तब यहाँ पे भैया पीएच जहाँ जहाँ पीएच है वहां आया आपका आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, एक मिनट ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकता हो, इस तरीके से आपसे कोई भी क्वेश्चंस करवा सकता है। ठीक है, तो बाकी की चीजें क्या होगी, बाकी की चीजें हम कल क्वेश्चंस में देखेंगे, क्या करेंगे क्वेश्चंस कैसे बनता है। ठीक है, और कल आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज चालू हो जाएगा। ठीक है, बाकी चीजें नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू वेरी मच।